एनसीआर का दिल दहला देने वाला निठारी कांड, इसकी दास्तान तो आपने सुनी ही होगी। नरपिशाच कोली और पंढेर ने जिस तरह इस पूरे कांड को अंजाम दिया, उससे किसी का भी कलेजा डर से कांप उठे। लेकिन आज इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया। दरअसल निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। इनमें से 4 मामलों में वो पहले ही बरी हो चुका था, जबकि 2 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस एसएचए रिजवी की बेंच ने दोनों को इन केसों में बरी कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है निठारी कांड। 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मुनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए थे। इस पूरे खबर पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।